हेलो स्टूडेंट्स मैं निकिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में और आज थोड़ी सी खास क्लास है कुछ नया आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास फाइनली स्टार्ट होने जा रही है आप लोगों के लिए और चैप्टर नंबर वन प्रश्नावली एक संबंध एवं फलन हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है इसका इंग्लिश में नाम ठीक है तो आज की क्लास थोड़ी सी धमाकेदार है डेफिनेटली पहली क्लास है ट्वेल्थ फाइनली शुरू हो रही है बहुत सारे बच्चे रेगुलर मैसेजेस कर रहे थे कॉल्स कर रहे थे कि ट्वेल्थ कब शुरू होगी कब शुरू होगी तो फाइनली आज से शुरू हो गई है और मैंने थोड़ा सा दमदार चैप्टर ही उठाया है स्टार्टिंग में जनरली फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले नहीं करवाया जाता है मैंने जान करके पहला चैप्टर लिया है थोड़ा दमदार चैप्टर लिया है शुरुआत में ही आप एक अच्छे लेवल के चैप्टर को कर लोगे तो बाकी सारे चैप्टर सब आपको फिर ईजी लगेंगे बहुत ज्यादा आसान लगेंगे तो थोड़ा दमदार चैप्टर स्टार्टिंग में लिया है ठीक है और कौन कौन बच्चे आ गए हैं एक बार देख लेते हैं फिर हम लोग शुरू करेंगे और इलेवेंथ वाले बच्चे भी अगर पढ़ना चाहें बहुत सारे बच्चे इलेवंथ वाले भी ऐसे थे जिनका कॉल आता था कि सर ट्वेल्थ शुरू कर दो हम लोग ट्वेल्थ भी पढ़ना चाह रहे हैं तो इसलिए ही हमने स्टार्ट की है क्योंकि काफी सारे बच्चे आ गए थे देख लेते हैं कौन कौन आ गए हैं एक बार आ, काफी बच्चे आ गए हैं लग रहा है यार चैट बहुत लंबी निकल गई प्रीति मिश्रा हर्ष वृष वर्मा वृष वर्मा अखिल सुशील आलोक समृद्धि नई न्यू कॉपी में क्लास नया चैप्टर शुरू करोगे <laughs> नई कॉपी स्टार्ट कर दो भाई इलेवेंथ वाले जो भी ट्वेल्थ शुरू कर रहे हो साथ में नई कॉपी बना लो एकदम बढ़िया से सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे अपन तो एकदम आराम आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में ट्वेल्थ भी आपकी चलती रहेगी स्टार्टिंग से ही कर लोगे तो ट्वेल्थ में तो तुम्हारे सौ में से डेढ़ सौ आ जाएंगे शायद इतने तुम और वाले क्वेश्चन अथवा वाले क्वेश्चन भी करके आ जाओगे इतना तैयार हो जाएगा तुम्हारा ट्वेल्थ क्लास सो एक मिनट मैं चेक लेता हूँ चैट्स को अनुज करण साक्षी अनिल मोहम्मद नाजिर काजल करण अंकित रोहित आकाश ऋषभ शुक्ला जी मुस्की तेजस्वनी कविता करण और रोहन अंकित किशन आलोक प्रीतम रजनीश देवेश आकाश ओम कुमार अंकित काजल अरुण अनिल साक्षी अनुज और बिट्टू कुमार बिट्टू कुमार इलेवेंथ में नहीं आया आज यार क्या बात है अभि अवस्थी अरुणेश शिवम रविंद्र राजेंद्र सौरभ प्रीति काजल काफी बच्चे आ गए हैं आज तो भाई टेक्नोलॉजी गूगल बेटा टेंथ की क्लास शुरू करेंगे जल्दी ही थोड़ा समय नहीं बैठ रहा है टाइम ही नहीं बैठ रही पीयूष पाल और ऋतिक अभिषेक दिलीप रजनीश काफी बच्चे आ गए हैं आज तो भाई सारे इलेवंथ वाले बच्चे लग रहे हैं ट्वेल्थ पढ़ने आ गए हैं इलेवंथ में तो तुम लोग आते नहीं हो बे ट्वेल्थ में पढ़ने आ आगे सारे के सारे चक्कर क्या है तुम्हारा ट्वेल्थ ही करनी है क्या तो अब मैं शुरू करता हूँ ऐसे तो नाम पढ़ते पढ़ते ही समय निकल जाएगा बबली राठौर नए नए नाम आ रहे हैं यार क्या करूँ शिव प्रकाश अवधेश आदित्य सौरभ उपासना बहुत दिनों बाद आशुतोष पिंटू सूर्यांश विनय सुनील लक्ष्मण धर्मेंद्र चलिए जी शुरू कर रहे हैं अब नामकरण बाद में बाकी लोगों का देखेंगे जो भी बच्चे नए हैं जो ट्वेल्थ क्लास में है वो लोग टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लेना क्योंकि टेलीग्राम पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे आप लोगों की ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स की तो शुरू हो गई थी आज से फाइनली मैथमेटिक्स की भी शुरू हो गई है और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम सिलेबस या जो जो टफ चैप्टर्स हैं एटलीस्ट वो आप लोगों को करवा दिए जाए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करने से यह बेनिफिट रहेगा कि वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे टेलीग्राम पर लर्न एंड शेयर टाइप करोगे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा ये दो कॉन्टेक्ट नंबर मेरे ऊपर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे इनको सेव कर लो ये कॉलिंग के लिए और व्हाट्सएप नंबर के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है जो भी आपको दिक्कत परेशानी तकलीफ आती है यहां पर आप शेयर कर सकते हो कॉल करके बात कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हो तो उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं पेजेस बनाए हुए हैं लर्न एंड शेयर के ऑफिशियल वहां भी कुछ कुछ चीजें चलती रहती है तो वो आप फॉलो करके काम कर सकते हो वहां भी देख सकते हो टाइम पास कर सकते हो अपना न एंड शेयर की जो एप्लीकेशन है उसको तो डाउनलोड करना ही करना है क्योंकि 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 जल्दी ही फिजिक्स का जितना भी कॉन्टेंट आपको पढ़ाया गया है वो सारा एप्लीकेशन पर डलने वाला है विद विदीएफ और मैथमेटिक्स का भी जितना भी आज से शुरू होगा वो भी पीडीएफ uh, डलने वाला है वहां पर पीडीएफ भी वीडियो भी और भी कुछ एक्स्ट्रा अगर दे पाऊंगा मैं जितना मैक्सिमम कर पाऊंगा सारे चैप्टर्स के फॉर्मलेस तो एटलीस्ट मैं बना ही दूंगा बने हुए हैं मेरे पास इंग्लिश में तो इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं वो सब कुछ मैं यहां पर डालने वाला हूं ट्वेल्थ क्लास का अलग से एक कोर्स बना करके इसमें तो वहां से आप देख सकते हो आप एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ही सकते हो कोई दिक्कत आए एप्लीकेशन डाउनलोड करने में इस नंबर पर आप फोन कर लेना या नोट्स वोट चाहिए आपको इस नंबर फोन कर लेना ठीक है तो फाइनली हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों थोड़ा सा कंपेयर करेंगे शुरू करने से पहले कि ग्यारहवीं और बारहवीं में चैप्टर्स कौन कौन से हैं ग्यारहवीं के कौन से चैप्टर्स बारहवीं के किन चैप्टर्स से कनेक्टेड हैं और फिर हम लोग

अब पर आपको नाम से समझ में आ रहा है संबंध एवं फलन अब इसमें तो मैं क्या ही बोलू यहां से ही कनेक्टेड है पूरा का पूरा जाहिर सी बातें दिख रहा है यहां पूरा स... अरे सॉरी त्रिकोण में फलन बोल दिया क्या मैंने इसमें यह संबंध एवं फलन यहां भी था यहां भी आ गया तो ऑब्वियसली इसी का कनेक्शन यहां से मिलने वाला है आप लोगों को ये तो पक्की बात है दिख रहा है साफ साफ नजर आ रहा है बल्कि ये दोनों चैप्टर जो आपने पढ़े हैं समुच्चय और संबंध एवं फलन वो इस वाले में काम आएंगे संबंध एवं फलन में एज इट इज जो आपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा है वो एज इट इज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में काम आने वाला है ये दोनों चैप्टर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं साथ में ही करने पड़ेंगे तब जाकर के बेहतर समझ में आएगा दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है जिसमें से दूसरा चैप्टर छोटा ही है बहुत छोटा है जल्दी हो जाएगा ये तो काफी अब देखो ये तीसरा चौथा चैप्टर एकदम नए हैं अपने लिए ये एकदम नए हैं इसमें पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ है अपन ने पांचवा चैप्टर जो है यहां से लिंक है तेरव चैप्टर से बहुत ज्यादा लिंक है बहुत ही ज्यादा अगर आपको तेरहवा चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया तो पांचवा चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा ये मेरी गारंटी है आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका पांचवा जबकि पांचवा बहुत बड़ा चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है उनके लिए जिन्होंने ग्यारहवीं में अच्छे से नहीं पढ़ा अगर ग्यारहवीं में आपने तेरवा चैप्टर पढ़ लिया तो फिर यह चैप्टर तो मक्खन लगेगा और यह चैप्टर अगर आपको आ गया ना पांचवा तो फिर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा एक्चुअली क्योंकि पांचवा छठा सातवा आठवां और नवा ये पांच चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो अब आप सोच लेना ग्यारहवीं में अगर आपने तेरवा चैप्टर नहीं पढ़ा तो कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आपको एक साथ बारहवीं में हालांकि मैंने ग्यारहवीं में तेरहवा चैप्टर नहीं पढ़ाया इसलिए पहले से ही वार्निंग दे रहा हूं कि यह चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए यह इतना ज्यादा कनेक्टेड है ये सारे बड़े बड़े चैप्टर हैं इसमें से स्पेशली इस, इस ये ये और ये चैप्टर बड़े बड़े हैं पांच छह सात आठवा और नौवा फिर भी छोटा है बाकी आपस में कनेक्टेड इसके बाद सदिश बीजगणित एकदम नया है आप लोगों ने हालांकि फिजिक्स में थोड़ा बहुत सदिश पढ़ा है उससे ज्यादा ही आएगा अपने मैथमेटिक्स में तो थोड़ा सा अलग होता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हल्का फुल्का बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं त्रिविम जामिति ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर है इलेवंथ क्लास में एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर ज्यादा है जैसे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ये पांचों एक दूसरे से कनेक्टेड है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है तो कनेक्टेड चैप्टर्स ज्यादा हैं थोड़े यहां पर ज्यामिति में पुराना तो कुछ खास काम नहीं आएगा लेकिन ये ये जो रैखिक प्रोग्रामन हम करने वाले हैं छठा चैप्टर अगर आपको आता है तो मान के चलो फिफ्टी परसेंट हो गया बारहवा चैप्टर अगर आपने इसका छठा चैप्टर कर लिया तो ये बारहवा चैप्टर फिफ्टी परसेंट खत्म आपका इतना कनेक्टेड है इतना ज्यादा कनेक्टेड है है ना अः समीका आएंगी अभी और कुछ नहीं आएगा प्रायिकता तो भाई हमेशा से चली आ रही है हमेशा तक मिलेगी आपको तो ये सोलवा चैप्टर एज इट इज काम आने वाला है इस तरह तेरहवें चैप्टर में तो बहुत सारी चीजें लिंक हैं ग्यारहवीं कक्षा से ग्यारहवीं में अच्छे से नहीं भी पढ़ी हो तो मैं तो वैसे पढ़ाऊंगा आप लोगों को पूरी तरीके से डिटेल में ही लेकिन ग्यारहवीं में पढ़ी होगी तो आपको इसलिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा ग्यारहवीं में जितना अच्छा पढ़ोगे बारहवीं में उतना मजा आएगा आप लोगों को तो यहां पर देखो नोटिस करने वाली बात यह है कि ये वाला चैप्टर बहुत काम का है ये वाला चैप्टर बहुत काम का है एक मैं बताना भूल गया ये सातवा चैप्टर भी काम आता है प्रायिकता के साथ में ये चैप्टर भी यहाँ से ही लिंक है थोड़ा है ना तो ये भी बहुत काम आता है उसके अलावा ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा काम तो यही आएगा ये और यही और ये तीसरा तो भूल ही गया मैं तीसरा भी तो बहुत ज्यादा काम आ रहा है छठा भी तो बहुत काम आ रहा है सारे काम आ रहे हैं यार काफी सारे चैप्टर्स हैं मतलब जो बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं पांच छह चैप्टर्स हैं इनको तो आपको घोट लेना चाहिए अच्छे से अगर आप बारहवीं में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो इनके बिना बारहवीं में अच्छा मजा नहीं आएगा उतना जितना इनको करने के बाद आएगा तो ये ओवरऑल हिसाब किताब है तेरह चैप्टर्स है ज्यादा कुछ नहीं है इसमें से दो बुक दे रखी है आपके कक्षा बारह में डरने की जरूरत नहीं है ग्यारहवीं की बूथ मोटी है बारहवीं की बुक बार की दो पतली पतली बुक है तो दो पतली पतली कर दी एक मोटी करने की जगह आपके लिए वजन कम कर दिया और क्या चाहिए बस बाकी कोई लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं है ये छह चैप्टर्स एक बुक में दे रखे हैं और ये आगे के सात चैप्टर्स दूसरी बुक में दे रखे हैं इस तरह से किया हुआ है एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए और यही ज्यादातर बोर्ड्स में चलती है क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब में यही चलते हैं तो वही हम लोग करने वाले हैं अब स्टार्ट करेंगे संबंध एवं फलन ग्यारहवीं कक्षा के संबंध एवं फलन से ही संबंधित आगे का पोर्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा तो संबंध एवं फलन हम लोग शुरू करेंगे यहां तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए है ना मैंने केवल ओवरव्यू दिया है कि कक्षा दस और कक्षा ग्यारह और कक्षा बारह में क्या क्या कनेक्टेड है चैप्टर्स किस किस तरह से कनेक्टेड है कौन सा किससे कनेक्टेड है और कितने चैप्टर से कनेक्टेड है ये सब बातें अपन ने डिस्कस करी है अभी तक तो अब हम लोग मेन मुद्दे पे आएंगे संबंध एवं फलन शुरू करेंगे। शुरू करेंगे करेंगे संबंध एवं फलन और उसको शुरू करने से पहले मैं चैप्टर फ्लो बता रहा हूं आप लोगों को चैप्टर फ्लो किसका है ये संबंध एवं फलन चैप्टर का है मैं यह लगाना भूल गया ये किस चैप्टर का है बाकी संबंध एवं फलन चैप्टर का चैप्टर फ्लो है कि पूरे चैप्टर में क्या क्या है क्योंकि संबंध के बारे में आप जानते हो फलन के बारे में आप जानते हो तो अब क्या नया सीखना है भाई अब क्या नई चीज आ गई ये तो पढ़ चुके थे अपन दसवीं ग्यारहवीं कक्षा में तो बारहवीं में क्या नया आ गया तो बारहवीं में ये चार प्रश्नावलियां हैं एक पॉइंट एक एक पॉइंट दो एक पॉइंट तीन एक पॉइंट चार और जैसा कि आपने ग्यारहवीं में देखा है विविध प्रश्नावली आ रही है सारी प्रश्नावलियों के साथ में तो वैसे ही बारहवीं कक्षा में भी विविध प्रश्नावली आती है सारी प्रश्नावलियों में ही लास्ट में जिसमें सबके मिक्स क्वेश्चन होते हैं और थोड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो सब में अपने को करना जरूरी है उससे एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट भी है वो उसमें उदाहरण और प्रश्न सब मिलेंगे तो फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि एक पॉइंट एक प्रश्नावली में क्या आएगा जो भी हम संबंध पढ़ते हैं रिलेशन पढ़ते हैं उसके कुछ प्रकार यहां पर डिस्कस होंगे संबंधों के प्रकार यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मेनली तीन प्रकार यहां पर पढ़ेंगे बाकी के से इतना ज्यादा काम नहीं है अपने को तीन प्रकार हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं उसी पर पूरी प्रश्नावली है एक पॉइंट एक आगे आती है एक पॉइंट दो प्रश्नावली जो है फलनों के प्रकार पहले संबंध एवं फलन हमने नॉर्मल पढ़ लिया ग्यारहवीं में अब संबंध के भी कुछ प्रकार है डिटेल में जाओ तो फलनों के भी कुछ प्रकार है डिटेल में जाओ तो तो संबंध के प्रकार एक प्रश्नावली में कवर हो जाएंगे अगली वाली में फलनों के प्रकार कवर हो जाएंगे फिर जो तीसरी प्रश्नावली है उसमें भी फलनों के बारे में ज्यादा चीजें हैं क्योंकि संबंध और फलन में फलन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फलन से ही सब कुछ चलता है जितने भी चैप्टर्स यहां पर बन रहे हैं स्पेशली ये ये सब फलन से संबंधित बनेंगे ये सारे फलन से संबंधित है, फलन फलन तो है, है एक और प्रश्नावली फलन के रूप में बनाई है जिसमें फलनों का संयोजन तथा व्युत्मणीय फलन के बारे में बात करिए इनवर्स फंक्शन वगैरह के बात में करिए और कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात करिए यहां इंग्लिश में मैं लिखना भूल गया बाकी कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टिगल फंक्शन के बारे में यहां पर बात होगी तो एक पॉइंट तीन प्रश्नवली फलन को ही डेडिकेटेड कर दी एक पॉइंट चार प्रश्नावली कुछ अलग है कुछ अलग ही है मतलब इसमें बहुत जगहों पर यह पढ़ाई नहीं जाती हटा दी है सिलेबस में से बहुत जगहों पर है और यह प्रश्नावली एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट एल मैथमेटिक्स की एक पूरी ब्रांच है उसकी अलग से बुक आएगी पूरी एक बुक है एब्स्ट्रैक्ट एल पर बी एस सी करते हो एमएससी करते हो आगे कुछ भी पढ़ते हो मतलब बी एस सी या एमएससी में मैथमेटिक्स -से, से करते हो तो, तो पूरी बुक का पहला चैप्टर यही होता है मतलब यहां से शुरू होती है वो बुक एक्चुअल में तो उसका एक बस हल्का सा झलक आपको इस एक्सरसाइज में मिलेगी जिसमें द्वि आधारित संक्रियाएं हम लोग सीखेंगे एक प्रश्नावली में तो इस तरह से चार प्रश्नावलियां हैं उसके बाद विविध प्रश्नावली के लिए बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है आपको पता है सबसे मिक्स प्रश्न वहां पर मिलते हैं अपने को तो ये सब अपने को पहले प्रश्नावली में मिलेगा पहली प्रश्नावली आप कह सकते हो कि बच्चों को जो सबसे टफ लगती है ना मैं टफ कह नहीं रहा हूं मैं बस ये कह रहा हूं कि बच्चों को क्या टफ लगती है वो भी इसलिए वो समझते नहीं है क्योंकि चीजों को बच्चों को टफ लगती है ये वाली प्रश्नावली ये थोड़ी टफ लगती है बच्चों को उसके बाद जो टफ लगती है वो ये लगती है उसके बाद जो टफ लगती है वो ये लगती है और ये लगती है ये कुछ चार प्रश्नावलियां हैं जो ज्यादा टफ लगती है बाकी सब प्रश्नावलियां उतनी टफ नहीं लगती बच्चों को उतनी है भी नहीं देखा जाए तो ये टफ क्यों लगती है क्योंकि ज्यादातर प्रश्नावलियां पुराने से लिंक है ये प्रश्नावली यहां से लिंक है और इसमें कुछ ऐसी टर्मस भी आती हैं जिनको थोड़ा सा समझते हुए चलना पड़ता है बहुत ज्यादा लॉजिकल टाइप सिस्टम चलेगा लिखने का पैटर्न बहुत मैटर करता है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है अगर आपने ध्यान दे दिया मतलब मैं क्लास में क्या करता था जब मैं ये प्रश्नावली पढ़ाता था, था ना बच्चों को पता है क्योंकि मैं ये थोड़ा सा लेट पढ़ाता था, था प्रश्नावली पहले सबसे स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाता था, था कभी भी आज पहली बार मैं ट्वेल्थ क्लास में इसको पहले नंबर पर पढ़ा रहा हूं जनरली कहीं भी पहले नंबर पर नहीं पढ़ाते हैं जनरली यहां से शुरू करते हैं आव्यू से सारणिक से इस तरह से शुरू करते हैं तो मैं जब भी पढ़ाता था तब तक बच्चे ये समझ चुके होते थे कि यह बहुत टफ है <laughs> क्योंकि उनको कहीं समझ में नहीं आ रही होती थी तो जब मैं उनको पढ़ाता था तो उसके बाद उनको लगता था कि सर ये ये था क्या जिसके लिए हम इतने परेशान हो रहे थे इतना ईजी था क्या ये सेम पैटर्न ही चल रहा है क्या सारे क्वेश्चन में तो मुद्दा समझने का है सिर्फ और कुछ नहीं है टफ और हार्ड कुछ नहीं होता ये केवल अपा ने बना रखा है जो हमें आ जाता है वो इजी है जो हमें नहीं आता है वो टफ है बस इतना ही है और कुछ नहीं है तो अगर आप अच्छे से समझ लोगे पहला चैप्टर तो आपको इजी बन जाएगा और मानते हैं ये सबसे भारी मानते हैं इन सब में भी जिनमें मैंने स्टार लगाया ना उनमें भी सबसे भारी इसी को मानते हैं तो अगर ये समझ में आ गया तो ये मान के चलो बारहवीं में कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको क्योंकि सबसे मुश्किल तो आपको आ ही गया बाकी तो लल्लू पंजू हैं वो तो आ ही जाने हैं उसमें करने ही क्या है फिर सबसे मुश्किल आ गया तो ईजी तो तुम पढ़ ही लोगे इसकी तो गारंटी ही है

प्रकार से पढ़ना इतना तुम्हारे को मजेदार नहीं लगता जितना बारहवीं पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तुम लोग ऐसा लग रहा है मुझे ग्यारहवीं के सारे बच्चे बारहवीं में आ गए हैं और बारहवीं के भी कुछ तो ही गए होंगे एक्स्ट्रा और बस एक ही तकलीफ है तुम लोग लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो पता नहीं क्यों भगवान जाने ये समझ नहीं आता मुझे क्यों नहीं लाइक करते हो तुम लोग वीडियो को अगर तुम देख रहे हो तो इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे को पसंद आ रहा है पसंद आ रहा है तो इस बात को जाहिर करने के लिए लाइक और कमेंट की व्यवस्था कर रखी है यूट्यूब ने उस अपने प्यार मोहब्बत को जाहिर करो लाइक और कमेंट करके यूट्यूब ने इतनी बढ़िया व्यवस्था दे रखी है तो क्यों नहीं करते इस्तेमाल भाई है सो so, चलिए आर्यन भी आ गया क्या आज तो क्या बात है करण पासवान मम्मी का दुलारा मोनू चौहान हमारा ये भी आ गया है भाई टेंथ क्लास की लाइव क्लास आज नहीं है बेटा आज नहीं है इलेवेंथ के हो आलोक बेटा बहुत सारे बच्चे इलेवेंथ के हैं यहाँ पर इलेवेंथ और ट्वेल्थ मिक्स ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए ठीक है बड़े अपन आगे शिवम कुमार आगे बढ़ते हैं बेटा कल मंगा लेना यार आज तो वैसे भी मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज तो बेसिक बातचीत में ही तुम्हारी आधी क्लास तो खत्म हो गई अब जो मुद्दे की बात है वो शुरू कर रहा हूं मैं संबंधों के प्रकार से पहले संबंध को समझना जरूरी है कि संबंध क्या है ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ा था हल्का सा रिवाइज करवाऊंगा और बारहवीं से क्या कनेक्शन है इसका वो बताऊंगा उसके बाद फिर शुरू कर देंगे मेन टॉपिक अपना प्रकार संबंधों का तो संबंध क्या है संबंध क्या है संबंध भाई दो समुच्चय अगर आपको दे रखे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में जो संबंध हम लोग डिफाइन करते हैं वो समुच्चों के आपस में संबंध डिफाइन करते हैं दो अलग अलग समुच्चे रखे हैं जिसमें अलग अलग संख्याएं वगैरह हैं कुछ भी है मतलब संख्याओं के अलावा भी हो सकते हैं लेकिन दो अलग अलग समुच्चे हैं उन दोनों के अवयव एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड हैं किस तरह से जुड़े हुए हैं किस संबंध को फॉलो कर रहे हैं वही यहां पर संबंध होता है और कुछ नहीं है फॉर एग्जाम्पल example, दो एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को यहां पर दे रहा हूं एक एग्जाम्पल तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो मैंने ग्यारहवीं में भी दिया था आप लोगों को वो ही एक तो मैं यहां दूंगा और एक कुछ नया यहां पर बना करके कर देता हूं ये मान लेते हैं ए समुच्चय है ये मान लेते हैं बी समुच्चय है और ए और बी के बीच में एक संबंध आर परिभाषित है किस तरह से ए समुच्चय के अवयव हैं एक दो तीन चार बी समुच्चय के अवयव हैं आ, दो तीन चार पांच छह जो भी मानो है ना ये कुछ अवयव दे रखे मान लो वन का कनेक्शन टू से है टू का कनेक्शन थ्री से है थ्री का कनेक्शन फोर से है फोर का कनेक्शन फाइव से है कनेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग एरो लगाते हैं ग्यारह में पढ़ के आए हो इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को अब यहां पर आर क्या लिखोगे क्या बताओगे आर एक मिनट हम्म तो आर यहां पर किस तरह से लिखा जाता है या क्या लिख सकते हैं आर को आर ऐसा लिखा जाता है आर सच दैट संबंध इस प्रकार है ये डबल डॉट का मतलब होता है डबल डॉट लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट सच दैट और हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार है आर संबंध इस प्रकार है संबंध का नाम आर दे रखा है और आर के जो अवयव लिखे जाएंगे वो इस तरह से लिखे जाएंगे वन कोमा टू वन का कनेक्शन है टू से टू कोमा थ्री टू का कनेक्शन है थ्री से थ्री कोमा फोर थ्री का कनेक्शन है फोर से फोर कोमा फाइव Four का कनेक्शन है फाइव से ये हमारे को यहां पर दिख रहा है आपने ग्यारहवीं कक्षा में दो तरह से संबंध को दर्शाने का तरीका सीखा था कौन से दो तरह से एक तो रोस्टर रूप एक समुच्चय निर्माण रूप मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप तो रोस्टर रूप में लिखा हुआ है ये फिलहाल तो किस रूप में है ये? ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है अगर आप इसी चीज को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हो तो क्या करोगे इसी चीज को समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए आप ऐसे लिखोगे आर बराबर आर में क्या है आर में ऑर्डर्ड ऑर्डर रखे हुए हैं में क्रमित युग्म रखे हुए हैं पूरे के पूरे सिंगल एलिमेंट भी अगर आप देखो तो युग्म के रूप में है तो आर में ऑर्डर्ड पेयर है आर में ऑर्डर्ड पेयर है इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं एक्स कोमा वाई पेयर मान लेते हैं जिसमें x अवयव पहले वाले के हैं पहले वाले के अवयवों को x नाम दे देते हैं दूसरे वाले समुच्चय के अवयवों को y नाम दे देते हैं तो x कोमा वाई करके हमारे पास R में अवयव हैं x कोमा वाई सच दे एक्स कोमा वाई इस प्रकार है किस प्रकार है आप लिखोगे y जो है थोड़ा सा गौर करना वन प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस वन फाइव मतलब इससे एक जोड़ते हैं तो यह आ जाता है मतलब y जो है एक्चुअली x प्लस वन लिया है हमने आप नोटिस करो तो y जो है x प्लस अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब आप लिख सकते हो y x 1. X और y और किस तरह से कनेक्टेड है कि y, मतलब बाद वाला पहले वाले मतलब x से एक ज्यादा है जहां पर x कहां से लेना है x लेना है a समुच्चय से x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू कहां से है b है तो ये हमने जो लिखा है ये लिखा है समुच्चय निर्माण रूप समुच्चय निर्माण रूप यह हमने लिखा है तो रोस्टर रूप भी लिख सकते हो समुच्चय निर्माण रूप भी लिख सकते हो संबंध का मतलब होता है इसके अवयव इसके अवयवों से किस तरह से संबंधित हैं कनेक्टेड हैं जुड़े हुए हैं वही संबंध होता है जैसे नॉर्मल जिंदगी में संबंध होता है भाई दोस्तों वाला संबंध होता है मां बाप माँ बाप हो सकते हैं आपके उनसे इस तरह से संबंध हो सकता है टीचर स्टूडेंट का संबंध हो सकता है वैसे यहां पर दो अलग अलग समुच्चय किस तरह से संबंधित है रिलेटेड है आपस में वो हमने दिखा है वो भी मैथमेटिकली दिखाया है दो तरह से दिखा सकते हैं रोस्टर रूप में भी और समुच्चय निर्माण रूप में भी ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है छोटा सा एक और एग्जाम्पल दूंगा एक और एग्जाम्पल दूंगा वो देखो क्या है ये तो इस तरफ कर देते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं एक और ध्यान से देखना है ए समुच्चय ये है बी समुच्चय मान लो ए और बी की जगह नाम कुछ और देना चाहो तो कुछ और दे सकते हो आप चाहो तो इसको नाम दे दो पी इसको नाम दे दो क्यू और ए पी और क्यू के बीच में एक संबंध जरूरी नहीं है आप आर लिखो संबंध को कुछ और नाम भी दे सकते हो और आर नाम देना चाहो तो आर भी दे सकते हो आपकी मर्जी है आपकी मर्जी है एस नाम दे दो टी नाम दे दो कुछ भी नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता पी समुच्चय में मान लो अवयव है वन टू थ्री फोर और क्यू समुच्चय में अवयव है इसको मान लेते हैं टू थ्री फोर फाइव या वन टू थ्री फोर ही मान लें चलो ऐसा करते हैं वन टू थ्री फोर ही मान लेते हैं वन टू थ्री फोर ही मान लेते हैं एक बार के लिए ठीक है और मैं यहां पर कहने वाला हूं तो P से Q लिखने की क्या जरूरत है दोनों तरफ P समुच्चय ही है ऐसा भी हो सकता है किसी समुच्चय का किसी खुद से ही संबंध निकालना चाह रहे हो हम टू थ्री फोर का वन टू थ्री फोर से ही क्या क्या संबंध हो सकता है वो निकालना चाह हो, हो रहे तो मैंने एक्स बोला है इसके अवयों को मैंने वाई बोला है मैं एक सिंपल सा रिलेशन डिफाइन करना चाह रहा हूं कि वाई जो है बड़ा है एक्स से मैं ये संबंध परिभाषित करना चाहता हूँ वाई बड़ा है एक्स से तो या x बड़ा है y से जो भी आप लिखना चाहो y बड़ा है x से तो दो जो है है वो बड़ा किससे एक से तीन जो है बड़ा है किससे एक से चार जो है वो बड़ा है किससे एक से दो किस अब ये वन किसी से बड़ा है नहीं आप ये भी कह सकते हो टू से बड़ा कौन है एक्स से बड़ा है ना वाई इसको ऐसे भी कह सकते हो ना एक्स इज ग्रेटर देन वाई अरे सॉरी x इज लेस देन y तो x से बड़ा है y तो दो से बड़ा कौन है दो से बड़ा तीन है तो दो तीन से कनेक्ट हो जाएगा और दो चार से भी कनेक्ट होगा दो से बड़ा चार भी के पास में। तो ये से होगा? है अब यहां पर देखने पर क्या क्या समझ में आ रहा है अपने को? संबंध आर जो है वो पी से क्यू में परिभाषित किया है हमने और आर को हम लोग लिखना चाहें सबसे पहले तो रोस्टर रूप में लिख रहा हूं मैं रोस्टर रूप में अगर आप लिखोगे तो वन का कनेक्शन किस किस से है One का कनेक्शन टू से है वन का कनेक्शन थ्री से है वन का कनेक्शन फोर से है टू का कनेक्शन है टू का कनेक्शन थ्री से है टू का कनेक्शन फोर से है थ्री का कनेक्शन है का किस -किस से है का से है का कनेक्शन से है, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है ये हमने क्या लिखा है संबंध आर लिख दिया जो रोस्टर रूप में लिखा हुआ है एक बार इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख देता हूं ताकि ग्यारहवीं का थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा फिर हम लोग बारहवीं का मेन पोर्शन अगली वाली स्लाइड से शुरू कर पाएंगे समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे भाई इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं पेयर के रूप में आ रहे हैं अकेला एक-एक अवयव नहीं है दो-दो के कॉम्बिनेशन है तो r बराबर x, y का कॉम्बिनेशन जिसमें से x इधर से y इधर से लिया है और किस रूल को फॉलो करते हुए लिया है इस रूल को फॉलो करते हुए लिया है कि y बड़ा है x से साथ में x a समुच्चय से होगा और y b समुच्चय से होगा ये हमने लिख दिया इसको ऐसे लिख सकते हैं समुच्च निर्माण रूप में सेम चीज को ही ठीक है तो ये तो मोटी मोटी बात थी कि कैसे कैसे लिख सकते हो आप किसी संबंध को एक इंपॉर्टेंट बात और जरूरी नहीं है कि आप हर संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिख ही पाओ इतना आप समझ ही पाओ कि क्या कनेक्शन दे रखा है क्योंकि जब कनेक्शन दे रखा होता है तो कभी कभी समझ ही नहीं आता कि ये किस तरह का कनेक्शन है मैथमेटिकली इसको कैसे लिखें तो केवल हम लोग उसको रोस्टर रूप में लिख करके काम चला लेते हैं जरूरी नहीं है उसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखे ही लिखे केवल इसमें भी लिख दिया तो चलेगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या कनेक्शन है तो छोड़ो उसको आप केवल रोस्टर रूप में लिख लो कि कौन किससे कनेक्टेड है एटलीस्ट इतना तो पता चले अपने को ठीक है दो तीन चीजें और हैं जो रिवाइज करने लायक हैं प्रांत परिसर और सह प्रांत एक बार वो और देख लो फिर मैं शुरू कर रहा हूं मेन टॉपिक आज का बहुत ही खास टॉपिक शुरू करूंगा चलिए यहां से एक बार देख लेते हैं प्रांत परिसर और सह प्रांत क्या क्या है वो एक बार और जान लेते हैं तो मैं यहां लिखता हूं एक तो प्रांत लिखूंगा एक लिखूंगा सह प्रांत और एक लिखूंगा परिसर दूसरे वाले में लिखा देता हूं पहले वाले को छोड़ो दूसरे वाले में दिखा देता हूं आपको क्या क्या है ठीक है सो so, प्रांत क्या है इसमें प्रांत इधर के जो अवयव काम आते हैं उसको प्रांत बोलते हैं वन टू थ्री काम आ रहे हैं चौथा कुछ यूज नहीं आ रहा आपने तो इसको वन टू थ्री आप लिख लोगे सह प्रांत उधर का पूरा समुच्चय वन टू थ्री फोर समुच्चय पी समुच्चय P एक गड़बड़ कर दी मैंने P से Q कर दिया यहां पर मुझे ध्यान नहीं रहा दोनों P ही हैं ये P से P रहेगा P से P में परिभाषित है R समुच्चय और परिसर होगा इधर के जो काम आ रहे हैं टू थ्री फोर टू थ्री फोर ये हमारे पास प्रांत सह प्रांत और परिसर होते हैं इस तरह से निकाले जाते हैं मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो आप लोग एक बार मैसेज कर सकते हैं चैट में बाकी आने नहीं चाहिए इलेवेंथ का है बहुत बेसिक सी चीज़ है जो बताइए मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया ऐसा नया तो अब बताऊंगा मैं नया तो अब बताऊंगा मैं ठीक है संबंधों के प्रकार पे तो अब मैं आऊंगा भैया तो संबंध हम लोग समझ लिए हैं क्या है और संबंध के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने पढ़ी थी ग्यारहवीं कक्षा में जिसमें से एक जानकारी ये भी थी कि जितने भी क्रमित युग्म बनते हैं दो समुच्चों के बीच में जैसे ये दो समुचे हैं इनके बीच में कितने क्रमित युग्म बन सकते हैं मैक्सिमम ये कितने बन सकते हैं बनाना चाहे तो वन का सबसे कनेक्शन हो जाएगा टू का भी हो जाएगा थ्री का भी हो जाएगा फोर का भी हो जाएगा बहुत सारे बन सकते हैं ना तो उससे बहुत सारे संबंध भी बन सकते हैं आपने आ, मैंने मैराथन ली थी अभी ग्यारहवीं की उसमें एक क्वेश्चन भी दिया था कि इनसे कितने संबंध बनाए जा सकते हैं पी से पी के बीच में या ए से बी के बीच में कितने संबंध बन सकते हैं तो दो की घात पी गुणा क्यू इतने संबंध बन सकते हैं बहुत ज्यादा संबंध है अलग अलग वैरायटी के संबंध हो सकते हैं ढेरों बन सकते हैं अनंत संबंध बन सकते हैं वैसे सोचो तो जिंदगी में मतलब दो समुच्चयों में कोई भी दो अलग अलग समुच्चय लेते जाए तो अनंत तरह के आपको संबंध नजर आ जाएंगे तो सारे संबंध हमारे काम के नहीं है जैसे अगर आप ऐसे समझो कि चतुर्भुज तो बहुत सारे हैं हम सारे चतुर्भुज का अध्ययन करते हैं क्या चतुर्भुज रैंडम बहुत सारे होते हैं ना ये भी एक चतुर्भुज है टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी है ये एक चतुर्भुज है ये एक चतुर्भुज है अलग अलग तरह के चतुर्भुज हैं ये एक चतुर्भुज होता है तो हम सारे चतुर्भुज का अध्ययन करते हैं क्या चतुर्भुज तो किसी भी टेढ़े मेढ़े चार भुजा वाली आकृति को चतुर्भुज बोल दोगे लेकिन हम कुछ खास चतुर्भुज का अध्ययन करते हैं क्योंकि वही हमारे काम के होते हैं ज्यादा यूज में वो आते हैं प्रैक्टिकली तो उनको ज्यादा यूज में लेने के हिसाब से उनका अध्ययन करते हैं हम लोग किस किस का जैसे वर्ग वर्ग एक तरह का चतुर्भुज ही है लेकिन खास तरह का है आयत एक तरह का चतुर्भुज ही है लेकिन खास तरह का है समांतर चतुर्भुज

वो तीन हमें पढ़ने हैं संबंधों के प्रकार फाइनली एक पॉइंट एक प्रश्नावली का काम की चीज स्टार्ट हो रही है वो तीन है पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में यार रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य स्वतुल्य बढ़िया याद आ गया स्वतुल्य संबंध मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं कभी मैं इंग्लिश में बोलूं तो आप लोगों को ध्यान रहे ताकि स्वतुल्य संबंध मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वैतुल्य नाम से समझ में आएगा अभी देखना इसको दूसरा है सममित संबंध सममित संबंध भी नाम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को जो समझाना पड़ेगा वो तीसरा समझाना पड़ेगा बस सममित संबंध को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन इंग्लिश में नाम है इसका और तीसरे नंबर पे जो है वो है संक्रामक ये नाम से समझ में नहीं आता आक्रामक सा लगता है, लेकिन आक्रामक नहीं है संक्रामक है, संक्रामक संबंध और इसको इंग्लिश में है बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन. सारा जोर वैसे समझाने में इसी को लगेगा बाकी दो तो, तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे तो संक्रामक ही बच्चों को आक्रामक लगता है पता नहीं क्यों बाकी है बड़ा आसान ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है आ जाएगा आप लोगों का आराम से क्या है इन संबंधों में खास या किस तरह के संबंध है ये संबंध ए से ए में परिभाषित है मतलब दोनों तरफ सेम समुच्चय है ए से ए बोल दो बी से बी बोल दो पी से पी बोल दो क्यू से क्यू बोल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेम से सेम में परिभाषित है दोनों तरफ सेम रहेंगे उनमें तीन तरह के संबंध हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चौथा भी हम लोग बात करेंगे तुल्यता संबंध की लेकिन वो कुछ खास नहीं है उसमें कुछ खास नहीं है मेन आप तीन समझ लो चौथा कुछ खास नहीं है तुल्यता संबंध है एक जिसको भी हम लोग पढ़ेंगे वैसे रिलेशन बोलते हैं इसको, है? इस इसको, इस है। है इसको। चौथा भी कह सकते हो लेकिन मेन तीन ही है जिसको अपने को स्टडी करना है एक एक करके समझते हैं क्या है इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये है ना पहले मैं डायग्राम से समझा रहा हूं फिर इनकी कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशन है मैथमेटिकल है एकदम लॉजिकल है आपको समझ में आएगा अच्छे समझ में आएगा चीज है, सामने देखते रहना बस। ध्यान से देखना है आपको थोड़ी से क्लास हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट हो पाया है बेसिक इंट्रोडक्शन ज्यादा था तो थोड़ा ध्यान से देखते रहना सब कुछ है ना ये ए से बी हमने दो समुचे लिए मान लो ए से बी नहीं लेना है पहली बात तो ये गलती गई ए से ए बोलोगे आप इसको मान लो ए समुच्चय में चार अवयव हैं एक दो तीन चार तो इधर भी चार ही आएंगे एक दो तीन चार सही बात है अगर अगर एक का कनेक्शन एक से है दो का कनेक्शन दो से है तीन का कनेक्शन तीन से है चार का कनेक्शन चार से है अगर ऐसा है किसी संबंध में मतलब वन कोमा वन टू कोमा टू थ्री कोमा थ्री फोर कोमा फोर बन रहा है एकदम जो है वही सामने भी दिख रहा है अपने को उसी से कनेक्ट हो जा रहा है जाकर के उसको बोलते हैं इसी के तुल्य है सामने वाला तो स्वैतुल्य तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जितने इधर हैं वही एज इट इज उन्हीं से कनेक्ट हो जाएं तो वो स्वैतुल्य संबंध कहलाता है यहां एक इंटरेस्टिंग बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि वन वन से कनेक्ट हो गया टू टू से थ्री थ्री से अगर फोर फोर से कनेक्ट नहीं हुआ तो वह स्वैतुल्य नहीं होगा स्वतुल्य में सारे अवयव जितने आपको दिख रहे हैं सारे अवयव खुद से कनेक्टेड दिखने चाहिए एक भी नहीं छूटना चाहिए यह एक इंपॉर्टेंट बात होती है जो सबको नहीं पता यहां गड़बड़ कर गड़ देते हैं बच्चे सारे अवयव एक दूसरे से कनेक्टेड दिखने चाहिए मतलब खुद से खुद को कनेक्शन दिखना चाहिए सारे अवयवों का एक भी छूटा तो गड़बड़ है इसलिए फोर को फोर से भी कनेक्ट करो अब ये स्वैतुल्य हो गया एक इंपॉर्टेंट बात और यहां पर जरूरी नहीं है कि केवल इतना ही संबंध हो हो सकता है दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा कुछ भी हो लेकिन ये चार दिखने जरूरी है कौन से चार वन का वन से, टू का टू से थ्री का थ्री से फोर का फोर से कनेक्शन दिखना जरूरी है एक्स्ट्रा कोई है उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को एक्स्ट्रा है तो होने दो नहीं है तो मत होने दो ये ये चार अगर आपको दिख गया तो ये वाला संबंध स्वतुल्य है इतनी सी बात ध्यान है स्वतुल्य का मतलब क्या हुआ खुद का कनेक्शन खुद से दिख गया खुद के तुल्य सामने कोई दिख गया उसको स्वतुल्य बोलते हैं ठीक है चीके? मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को स्वतुल्य क्या है तो आ... मैं एक काम करता हूं कुछ कुछ बना देता हूं आगे कुछ और बना देता हूं यहां तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों स्वयं समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ डेली होगी करण डेली होगी मासी फोन आ गया था सारे डिस्टरबेंस क्लास के टाइम ही आना है बेटा वापस से पढ़ लेना क्योंकि पहला चैप्टर मैंने बोल दिया है कि पूरी बुक का ट्वेल्थ क्लास का पूरी ट्वेल्थ क्लास का सबसे टफ चैप्टर है ये आ गया ना तो पूरी ट्वेल्थ अच्छे से आने से कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को इसको इसलिए अच्छे से कर लेना ये पहले ही वार्निंग दे दी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में और आ जाएगा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें बहुत ईजी है ये आप बस क्लास ले लोगे ना उतने में आ जाएगा घर पर नहीं भी पढ़ोगे तो भी आएगा तुम्हारे को ये और बता रहा हूँ मैं पढ़ लोगे तो फिर दुनिया ही जीत लोगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है <laughs> ये ग्यारहवीं वालों के लिए कह रहा हूँ मैं बारहवीं वालों को तो पढ़ना ही है बेशरम घर पे बारहवीं वाले मस्ती में नहीं घूमना है कि ठीक है क्लास में पढ़ लिया हो गया काम हो गया धन्य अपने दो ऐसे नहीं होगा ये तो ग्यारहवीं वालों के लिए ऑफर है कि कम से कम क्लास अच्छे से करके नोट्स बना लो बाकी तो कर लेंगे धीरे धीरे वो दोबारा बारिव्यू रिवाइज तो लेट भी करोगे तो चलेगा कर, क्योंकि ग्यारहवीं भी चल रही है उनकी आराम आराम से करिए जिससे हमें अच्छे से समझ में आ सके आराम से चल रहे हैं यार अभी तक तो बताया ही है अभी तो ग्यारहवीं का रिवाइज़ करवाया था अभी तो पहला टॉपिक शुरू किया है उसमें मैंने रोक दिया देखने के लिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं खुद का खुद से कनेक्शन चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं दुनिया में बस इतना ही चाहिए पार्शल फ्रैक्शन कहाँ पर है सर हैं ये कहाँ से आ गया पार्शल फ्रैक्शन ये आपके सातवें चैप्टर में आएगा यार <laughs> सातवें चैप्टर में आएगा अभी इस चैप्टर में कोई पार्शल फ्रैक्शन की बातचीत नहीं है तो अभी मैं नहीं बता सकता कुछ भी इसके बारे में आपको कोई साइड बुक बता दीजिए पढ़ने के पर्पज से आशुतोष कह रहे हैं बेटा साइड बुक वैसे तो बहुत आती हैं आपके वहाँ जो आती है वो ले लो आर डी शर्मा तो बेस्ट है एक्चुअली उससे ज़्यादा प्रश्न कहीं नहीं मिलेंगे लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है उतना पता नहीं सब लोग पढ़ नहीं पाते हैं इसलिए वो रद्दी में जाती है बुक मोटी सी बुक आती है लेकिन बेस्ट वही है अगर आप एक्चुअल में पढ़ना चाहते हो तो बाकी उसके अलावा आपके जो पब्लिकेशन वहाँ पर लोकल चलते हैं जिनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं आप शॉप पर जाओगे आपको देख के समझ में आ जाएंगे इतनी दिक्कत नहीं है शॉप वालों को ही पता होता है क्योंकि अलग अलग स्टेट में लोकल तो अलग अलग चलते हैं तो इसलिए मैं थोड़ा बता नहीं पाता हूँ उस केस में शिवम राजपूत कह रहे हैं सर जी मैं 2021-22 बोर्ड से हूँ रिवाइज कर रहा सकता हूँ सर क्या मैं हाँ करो ना यार कौन मना कर रहा है रिवाइज़ करने को शिवम आराम से रिवाइज करो नॉट डिस्टर्ब लगा के पढ़ती हूँ यही बेस्ट तरीका है <laughs> नॉट डिस्टर्ब पे पढ़ना चाहिए चलिए जी देवेश कह रहा है कि डिफ्रेंशिएशन कब आए आएंगे प्लीज़ बता दीजिए डिफ्रेंशिएशन तो बेटा अभी मैं पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ा करके डिफरेंशिएशन पे आऊँगा पहले और दूसरे में डिस्टर्बेंस नहीं करूँगा मैं शुरू किया है तो है ना पहला दूसरा फिर डिफ्रेंशियन लेंगे तो कनेक्टेड है तो वैसे सीक्वेंस में चलना बेस्ट रहता है उसका कोई मुकाबला नहीं है फिर भी जो टफ चैप्टर्स होंगे मैं कोशिश करूंगा कि पहले उनको निपटा दूं ताकि आप लोगों के ट्वेल्थ के एग्जाम्स में थोड़ी हेल्प हो जाए आप लोगों के चलो जी तो बढ़े अपन आगे बच्चों लाइक करने आई हूं रेने को कह रही है बढ़िया है बेटा <laughs> चलिए जी शुरू करते हैं फिर अपन आगे की कहानी कहानी लंबी चलेगी अपनी आज अब तुम लोग साथ दे ही रहे हो इतने लोग बैठे ही हो इंतजार में तो कहानी को लंबा ही खींचेंगे थोड़ा छोटा क्यों करेंगे इतना है तो स्वतुल्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है स्वतुल्य मतलब खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए ठीक है एक छोटा सा एग्जाम्पल बनता है बस ऐसे भी क्या बात है छोटा सा एग्जाम्पल तो बनता है क्या एक छोटा सा एग्जाम्पल हमें एस ऐसे हो देगा एग्जाम्पल डायग्राम नहीं देगा उसमें डायग्राम नहीं आएंगे डायग्राम तो मैंने समझाने के लिए बनाया आपको डायग्राम आएंगे नहीं आएंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको ए दे रखा है, तो तो है केवल अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आर कैसे लिखोगे आर लिखोगे आप वन कोमा वन वन कोमा टू टू का कनेक्शन टू कोमा टू टू कोमा फोर और थ्री कोमा थ्री और थ्री कोमा

बाकी एक्स्ट्रा जितने मर्जी डाल दे वो और ना डाले अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को सिर्फ इन चार लोगों से मतलब है ये चार लोग दिख रहे हैं तो वो स्वतुल्य है अदरवाइज नहीं है इतना ही ध्यान रखना है बस एग्जाम्पल देख लो ए दे रखा है वन टू थ्री आर संबंध ए से ए में परिभाषित है वो तो होगा ही उसी की तो स्टडी कर रहे हैं अपन पूरे बारहवीं में है ही यही आर जो है इसने कहा कि वन कोमा वन वन कोमा टू वन कोमा थ्री टू कोमा टू थ्री कोमा थ्री है हम जानना चाह रहे हैं स्वतुल्य है, है कि नहीं हमें तो इससे मतलब है अभी तो एक ही पढ़ा है ना क्योंकि बाकी के जो पढ़ेंगे उस टाइम उनको भी डिस्कस करेंगे फिलहाल एक पढ़ा है तो स्वतुल्य आप बता दो कि स्वतुल्य है कि नहीं है पहले तो यह बात करेंगे स्वतुल्य होने के लिए क्या जरूरी है वन का वन से तीन लोग हैं तीनों का आपस में कनेक्शन दिखा दो वन का वन से है बिल्कुल है टू का टू से दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है कहीं पर थ्री का थ्री से दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है तीनों मिल गए भैया तीनों मिल गए तो ये वाला संबंध स्वतुल्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है स्वतुल्य है, क्लियर है यहां अलग अलग क्वेश्चन है इसको दूसरा क्वेश्चन समझ लो इसको तीसरा क्वेश्चन समझ लो अलग अलग क्वेश्चन है इस संबंध के लिए तीन क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में आर का मान दे रखा है वन कोमा वन बहुत ही बढ़िया अपने को चाहिए ही था टू कोमा टू है क्या नहीं है टू कोमा टू नहीं है तो सीधा ही लिख दो आगे का चेक भी मत करो ये वाला ही नहीं दिख रहा एक भी मिसिंग दिख रहा है एक भी आपको अनुपस्थित दिख रहा है सीधा लिख दो स्वतुल्य नहीं है स्वतुल्य नहीं है स्वतुल्य नहीं है बात खत्म स्वतुल्य नहीं है खतम बात खत्म बात खुद का खुद से कनेक्शन नहीं दिख रहा

चलो एक तिहाई काम खत्म हो गया ये तीन ही चीजें पढ़नी है पूरी एक पॉइंट एक प्रश्नवाली में पहली आ गई तो काम खत्म आधा तो आधा नहीं एक तिहाई सॉरी अब एक तिहाई काम इससे खत्म होगा संबंध संबंध समझते हैं क्या है सम्मित सम्मित का मतलब, सम्मित, सम्मित मतलब सिमेट्री मिलनी चाहिए वन टू टू वन ऐसे सिमेट्री वन का कनेक्शन टू से है तो टू का भी फिर वन से हो उल्टा भी चले उल्टा चलना चाहिए तो क्या है इसका मतलब मैं डायग्राम से समझाता हूं एक बार आपको Uh, इसको मिटाता हूँ कुछ नया बना के दिखाता हूँ कुछ नया बना देते हैं, कुछ नया बनाते हैं ये डिलीट कर दिया मैंने ठीक है और यहां पर मान लो मान लो एक बार के लिए मैं आ, वन का कनेक्शन वन से कर रहा हूं वन का कनेक्शन टू से कर रहा हूं टू का कनेक्शन थ्री से कर रहा हूँ थ्री का कनेक्शन फोर से कर रहा हूँ और टू का कनेक्शन मैं वन से भी कर रहा हूँ ठीक है तो यहां पर क्या समझ में आया अपने को ये है वन कोमा वन फिर है टू कॉमा टू कॉमा वन टू का कनेक्शन वन से भी है फिर है अरे सॉरी वन कॉमा टू तो लिखना भूल गया मैं वन के दो दो कनेक्शन दिख रहे थे ना वन का कनेक्शन वन से है वन का कनेक्शन टू से भी है टू का कनेक्शन वन से है और टू का कनेक्शन थ्री से भी है इसके बाद थ्री का कनेक्शन फोर से है ठीक है तो ये ये कहता है सम्मित संबंध तब माना जाएगा जब उल्टा सीधा दोनों प्रेजेंट हो जैसे वन कोमा वन है

ये दिख रहा है इसका उल्टा भी दिख रहा है सिमेट्रिक हो गया ना उल्टा सीधा एक समान एक तरीके से ऐसे, ऐसे ऐसे बना सकते हो बस बोलने के हिसाब से बाकी उल्टा और सीधा दोनों दिख गए तो वो सम्मित माना जाएगा आप लोगों का 1, दिख गया तो टू कोमा वन भी दिख रहा है मतलब पास आगे बढ़ो हर एक को चेक करना है जैसे हम यहां पर नहीं चेक करते थे वन वन भी है टू टू भी है थ्री थ्री भी है तो भी आगे चेक करो फोर फोर को भी चेक करो है कि नहीं है तो ऐसे सबको चेक करना है जितने यहां दिख रहे हैं उधर यहां से मतलब नहीं है अब अपने को यहां से मतलब है जो दे रखा है उसमें चेक कर लो जो दिया हुआ है उसका उल्टा भी दिया हुआ है क्या बस इतना चेक कर लो तो वन कोमा टू का उल्टा टू कोमा रखा है टू कोमा वन का उल्टा वन कोमा टू दे रखा है ये भी पास है टू कोमा थ्री का उल्टा नहीं दिख रहा यहां गड़बड़ हो गई टू कोमा थ्री का उल्टा क्या होगा थ्री कोमा टू है क्या यहां पर नहीं है अगर इसका उल्टा नहीं है तो यह सम्मित नहीं है सम्मित नहीं है क्योंकि इसका सिमेट्रिक पेयर नहीं नजर आ रहा है हमारे को इसका भी नहीं नजर आ रहा हालांकि लेकिन अपने को तो तो यहीं पे क्रॉस लग गया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है एक बार क्रॉस लग गया तो वो क्रॉस है ओवरऑल तो आप लिखोगे सममित नहीं है सममित नहीं है तो कौन होगा सममित ये भी इंटरेस्टिंग बात है वो होगा जितने दिख रहे हैं उन सबके उल्टे नजर आ जाए तो सम्मित हो जाएंगे सबके उल्टे नजर आ गए तो सम्मित हो जाएंगे बस इतनी ही बात है ठीक है आगे चेक करते हैं उस एग्जाम्पल देख लेते हैं इधर एग्जाम्पल में ज्यादा समझ में आ जाएगा चेक करते हैं भैया वन कोमा वन का उल्टा है क्या वन कोमा वन ही होता है तो देखने की जरूरत ही नहीं है का उल्टा क्या होता है टू कोमा वन टू नजर आ रहा है क्या इसके कारण बात फंस गई इसके चक्कर में इसका उल्टा नहीं मिल रहा इसलिए आप लिखोगे कि ये सममित नहीं है सममित नहीं है नहीं है ये क्यों क्योंकि इसका उल्टा नहीं दिख रहा आगे तो क्यों ही चेक करें? पर फंस गए तो लिख दो नहीं है क्या को? आगे देख 1, 1 इसका उल्टा क्या तो होता है टू कोमा वन है टू कोमा टू टू कोमा वन इसका उल्टा क्या होता है वन कोमा टू है, है? है. सबके उल्टे यहां मौजूद है सबके उल्टे मौजूद है तो आप लिख दोगे कि सममित है संबंधित यह सम्मित है यह संबंध सम्मित संबंध है ठीक है यह संबंध सम्मित संबंध नहीं है तीनों को चेक करेंगे एक एक करके हर चीज के लिए स्वतुल्य के लिए तीनों को चेक किया स्वेतुल्य है, है फिर के लिए तीनों को चेक करेंगे सम्मित है कि नहीं है कौन कौन है कौन कौन नहीं है फिर हम लोग संक्रामक के लिए चेक करेंगे कि तीनों में से कौन संक्रामक है कौन संक्रामक नहीं है इतना चेक करना है अपने को ठीक है तीसरा वाला देखो वन का कनेक्शन टू से दिख रहा है अपने को मतलब ही नहीं है ए में कौन है इसमें अपने को बस यहां देखना है ए में कौन है मतलब नहीं है यहां जो दिख रहे हैं एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं बस इतना ही मतलब है वन का टू से कनेक्शन है टू का वन से दिख रहा है क्या इसका उल्टा दिख रहा है टू का वन से कनेक्शन है इसका उल्टा दिख रहा है क्या दिख रहा है हो गया काम तो ये क्या है अपने पास में ये सम्मित है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दोनों समझ में आ गए होंगे स्वतुल्य कैसे चेक करना है सम्मित कैसे चेक करना है इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो मुझे वन नहीं है डोर तीन है बिल्कुल सही है बिट्टू कुमार का मुस्की का ठीक है और भी सही है समृद्धि का शिवम बेटा सही है बिल्कुल हर्षित का भी सही है बहुत सारे बच्चों का सही है मतलब प्राची का भी ठीक है कृष्णा टेंथ वालों के लिए भी लेंगे बेटा जल्दी ही लेंगे अंशुल सही है चलो बढ़िया आप लोगों को समझ में आया है आपके मैसेजेस या चैट्स देख करके ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ध्यान व्यहान सामने है तुम्हारा बारहवीं के लिए तो कम से कम तुम सीरियस हो ग्यारहवीं के लिए हो या नहीं हो पता नहीं है मुझे बारहवीं के लिए तो तुम सीरियस लग रहे हो मुझे अभी से ही तो बारहवीं में तो तुम फोड़ के आओगे बोर्ड को यकीन है मेरे को बोर्ड एग्ज़ाम फोड़ के आओगे एकदम पूरा यकीन हो गया है मेरे को आज और दिल खुश हो गया मेरा तुम्हारे आंसर्स वगैरह देख करके कि तुम लोग पढ़ रहे हो और इतने लोग बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए बारहवीं कक्षा को तो भैया बारहवीं को पढ़ाने में भी अब मजा ही आने वाला है इतना ही धमाकेदार क्लासेस चलेगी टाइम टाइम बिना देखे बिना टाइम देखे देखे क्लासेस चलेंगे अब को हुए कितनी देर चलेगी पता नहीं है। लेकिन फिर, की तो। के बाद जब स्वैतुल्य और सम्मित की प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर संक्रामक की एक साथ करेंगे फटाफट से बताओ इसका क्या आंसर आएगा ये हमारे पास सेम क्वेश्चन आ गया वन टू थ्री दे रखा है से ए में डिफाइंड है ये चौथा पार्ट आ गया इसका ये पांचवा पार्ट है ये छठा पार्ट है और ये सातवां पार्ट है ये सात क्वेश्चन लिए थे मैंने और अब आप लोग बताओ कि क्या क्या आंसर आएंगे सबसे पहले तो हम लोग स्वैतुल्य चेक कर रहे हैं चारों को चारों में स्वैतुल्य कौन कौन सा है फटाफट से पहला चेक कर लेंगे वन का वन से कनेक्शन नजर आ रहा है बहुत ही बढ़िया टू का टू से नजर आ रहा है और भी बढ़िया तीन का तीन से भी है बहुत ही बढ़िया मजा ही आ गया बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है इतना चेक हो गया मतलब ये स्वैतुल्य तो है स्वतुल्य तो है बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ेंगे अगले वाले की बात करते हैं वन का वन से कनेक्शन दिख रहा है टू का टू से नहीं दिख रहा है थ्री का थ्री से दिख रहा है अपने को मतलब ही नहीं है चूल्हे में पड़े बाकी के अपने को तो स्वतुल्य के लिए केवल तीन से मतलब था ये लिख दोगे स्वतुल्य है स्वतुल्य है आगे बढ़ते हैं वन का वन से कनेक्शन ही नहीं दिख रहा बाकी के कनेक्शन का क्या करना है अपने को बाकी के कनेक्शन से मतलब ही नहीं है एक नहीं दिख रहा कैंसिल कर दो वन का वन से कनेक्शन कहां है है ही नहीं नहीं है तो क्या लिखोगे लिखोगे कि भाई स्वतुल्य नहीं है कहां बैठे हो स्वतुल्य नहीं है ये स्वतुल्य नहीं है ठीक है इसकी बात करते हैं क्यों नहीं है स्वतुल्य क्योंकि वन कोमा वन नहीं है इसके पास में ठीक है इसकी बात करते हैं टू कोमा टू है बहुत बढ़िया थ्री कोमा थ्री है बहुत ही बढ़िया वन कोमा टू है वन कोमा वन तो नहीं है ना अपने को तो उससे मतलब था तो स्वतुल्य नहीं है अभी भी स्वतुल्य नहीं है बात खत्म सम्मित अब तुम लोग बताओगे कौन सा सम्मित है कौन सा नहीं है नंबर से लाइन से एकदम सिस्टमेटिकली बताओ कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है नंबरिंग आपके सामने है जल्दी से चैट करके बताओ कि सम्मित कौन से हैं और कौन से नहीं हैं मुझे दिखना चाहिए चैट्स में सबके चैट्स दिखने चाहिए कितने लोग क्या आंसर कर रहे हैं फटाफट से बताओ मुझे स्वैतुल्य तो मैंने बता दिया वैसे तो यही आसान था <laughs> ज्यादा आसान तो ये था वैसे सम्मित थ्री तो. तो फोर नहीं है अच्छा ये तो स्वतुल्य चल रहा है अभी तो सम्मित का तो अब आएगा नंबर सम्मित का बताओ फटाफट से स्वैतुल्य तो हो गया स्वतुल्य का तो निपटारा हो चुका है अब सम्मित में देखते हैं किसमें कितना दम है दे फटाफट से आंसर मैं चेक कर लेता हूं जब तक कौन कौन है कौन कौन नहीं है हम्म और हो, 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 है और ठीक है ठीक है फटाफट बताओ भाई आंसर कौन है कौन से नहीं है स्वतुल्य सॉरी स्वतुल्य हो गया यार सम्मित सम्मित के लिए है स्वतुल्य हटाओ भाई समृद्धि स्व स्वतुल्य हटाओ सम्मित बताओ फोर्थ सम्मित नहीं है हाफ नॉलेज ने बोला और इसने हाफ ही आंसर किया है बेटा तीसरे तीन और बताओ ना पूरे बताओ सारे बताओ ये तो सही किया है आपने फोर्थ सम्मित नहीं है वे सही है लेकिन पूरे पूरे बताओ आंसर क्या क्या है पाँच और छः है अनुजी कह रहा है ठीक है देखते हैं पता नहीं रोशनी को तो चलो कोई नहीं सर आपका नाम ये सोनू कुमार ने आज जो प्रश्न पूछा है ना ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा मुझसे <laughs> मेरा नाम निखिल गुप्ता है बेटा <laughs> आज पहली बार आए हो लगता है आप क्लास में निखिल गुप्ता है मेरा नाम चलिए सो so, तीन चार नहीं है तीन चार तो ये तो पुराना चल रहा है क्या तीन चार गए यार चार पाँच छः सात है नंबरिंग वन टू थ्री फोर तो है ही नहीं तुम फालतू परेशान हो रहे हो बहुत सारे लोग कह रहे हैं पाँच छः सम्मित है दो तीन है टेंथ क्लास मैथ टाइम बेटा केशव बाद में बात करेंगे टेंथ क्लास की पाँच छः है बाकी नहीं है अच्छा ये अंकुश ने कहा क्या नहीं शिवम ने कहा अंकुश कह रहा है सम्मित एक दो है तीन चार नहीं नहीं एक नहीं दो है तीन नहीं तीन है चार नहीं ओके रोहित कह रहा है पाँचवा सम्मित है ओके सो मेरे ख्याल से मैं बता देता हूँ काफ़ी बच्चों के देख लिए हैं मैंने सम्मित दो तीन ठीक है चार छः है ठीक है चार छः तो नहीं है ये गड़बड़ कर रहा है बाकी ज़्यादातर बच्चों का सही है चार एंड छः है बाकी नहीं है मुझकी बेटा गड़बड़ कर दी चलो कुछ कुछ बच्चों के गड़बड़ है थोड़ा बहुत बाकी काफी बच्चों का सही है मतलब ठीक है बहुत सही है अब देख लेते हैं एक बार कुछ कुछ का गड़बड़ है वो भी मेरे को लग रहा है नंबरिंग के चक्कर में गड़बड़ हो गया होगा या गलती से लिख दिया होगा बाकी तुम लोगों को आ तो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है तो हम सम्मित की बात कर लेते हैं एक बार सम्मित में क्या करना है वन का वन से कनेक्शन है उसका उल्टा वन वन ही होता है तो देखने की जरूरत नहीं है टू टू का उल्टा टू टू ही होता है वो तो है ही थ्री थ्री का उल्टा थ्री थ्री होता है वो तो है ही वन टू का उल्टा टू वन होता है जो नहीं है वन टू का उल्टा क्या होता है टू वन नहीं दिख रहा इसके कारण गड़बड़ हो गई यहां पर तो आप लिखोगे कि सम्मित नहीं है नहीं है सम्मित भाई है ही नहीं सम्मित यहां बात करते हैं अपने को इस से मतलब ही नहीं अब अपने को तो इससे देख करके समझ में आएगा सम्मित और संक्रामक तो केवल स्वतुल्य के लिए इसको देखना पड़ता है कि है कौन कौन इसके पास उन सबके कनेक्शन दिख रहे हैं कि नहीं बाकी सम्मित के लिए इसको देखने की जरूरत नहीं चलते हैं अपन हमेशा तो 11 का उल्टा, उल्टा वन टू वो, वो, वो भी है टू थ्री का उल्टा थ्री टू वो है थ्री टू का उल्टा टू थ्री वो भी है ये भैया सम्मित है सबके उल्टे नजर आ रहे हैं इसी में तो कोई टेंशन नहीं है आप यहां पर लिख दोगे है स्वतुल्य तो था सम्मित भी है सम्मित निकलाएंगे बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट पे आते हैं सिक्स नंबर पे आते हैं फटाफट से देखेंगे आ, टू टू का उल्टा टू टू कोई दिक्कत नहीं थ्री थ्री का उल्टा थ्री थ्री है कोई दिक्कत नहीं वन टू का उल्टा टू वन टू वन, टू -वन का उल्टा वन टू एक दूसरे के उल्टे सब कुछ नजर आ रहे हैं यहां पर तो ये यह तो है तो है ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले पे आते हैं लास्ट वाले पे आते हैं यहां है टू 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 का उल्टा टू टू ही है बहुत बढ़िया थ्री थ्री का उल्टा थ्री थ्री है वन टू का उल्टा टू वन नहीं है नहीं है यहां पे, क्या करोगे आप लिखोगे कि भैया सम्मित नहीं, नहीं है तो चौथा और सातवा सम्मित नहीं है पांचवा और छठा सम्मित है ये है आंसर इसका ठीक है यहां तक यहां तक कोई दिक्कत है क्या ठीक है मतलब काफी बच्चों ने वैसे सही आंसर दिया है कुछ दिक्कत नहीं है इसमें हाफ नॉलेज ने पूरा आंसर दे दिया है हाफ नॉलेज बेटा आपका नाम बताओ अजीब सा नाम लिखा हुआ है आपने एक मिनट में पानी वानी पी लेता हूँ जब तक आप लोग करो <coughs> अच्छा ठीक है मुस्की अब तो समझ में आ गया ना किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है बेटा चलिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर है ना बिल्कुल सही ठीक है तो दो चीजें आपकी आ गई है मैंने और एग्जांपल्स लिए हालांकि आगे लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इतने अपन नहीं कर पाएंगे एक ये समझ लेते हैं संक्रामक संबंध किसको बोलते हैं ये जान लेते हैं अपन बस एक है ना तुल्यता संबंध कुछ खास नहीं है संख्या लिख दिया क्या मैंने यहाँ पर संबंध की जगह तुल्यता संबंध है ठीक है तो संक्रामक संबंध बस यही है जो थोड़ा सा ध्यान देने लायक है बाकी कुछ इतने ध्यान देने लायक नहीं थे इजी थे ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है थोड़ा ध्यान देने वाला है तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है आपको है ना सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और बहुत सारे टीचर्स भी इवन टीचर्स भी इसको कुछ कुछ टीचर्स गलत करवा देते हैं या फिर कुछ पासबुक वगैरह में देखोगे तो उसमें कुछ गलत आंसर दे रखे होते हैं इससे संबंधित जो इसके अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनमें आंसर गड़बड़ आ जाते हैं बहुत बार तो इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ पाओ कि भई जो पासबुक है उसमें भी आंसर गलत हो सकते हैं कभी कभी तब समझ पाओगे आप एनसीईआरटी वाली बुक में एकदम सही आंसर दे रखे हैं और कुछ उनको उल्टा बता देते हैं कि नहीं पीछे आंसर गलत है ऐसा नहीं है तो वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि संक्रामक संबंध क्या है तो ध्यान से समझेंगे और समझने से भी पहले एक छोटा सा काम मैं यहां पर कर देता हूं मैं संबंध संबंध की की डेफिनेशन डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर की डेफिनेशन क्या है संबंध की डेफिनेशन क्या है इनकी डेफिनेशन मैथमेटिकल क्योंकि दोनों तो अपन ने सीख लिया है तो अब इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं फिर हम लोग संक्रामक संबंध की मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे ठीक है चलिए सो शुरू करते हैं अब इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूं चलिए जी हम्म स्वतुल्य संबंध किसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध बोलते हैं आर अगर डिफाइंड है ए से ए में तो आपके फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए

आप ये लिखो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर जहां पर ए जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग कर रही है मतलब ए समुच्चय अगर आपको दे रखा है ध्यान से समझना इस डेफिनेशन को ए समुच्चय अगर आपको दे रखा है और उसके अवयव स्मॉल ए हैं उसके अवयवों को स्मॉल ए नाम दे दिया जैसे किसी भी समुच्चय के अवयवों को हम एक्स नाम दे देते हैं ना यहां पर आपने देखा है अभी थोड़ी देर पहले कि हमने इस समुच्चय के सारे अवयवों को क्या नाम दे दिया एक्स इस समुचे के सारे अवयवों को क्या नाम दे दिया वाई इस समुचे के सारे अवयवों को क्या नाम दे दिया एक्स तो इस तरह से नाम दे सकते हो ना ये P, P आएगा मैंने गलत A और P कर दिया था इसको ठीक कर देना तो वैसे यहां पर बोला गया है कि ए समुचे के अवयव अगर स्मॉल ए है तो ए कोमा ए मतलब खुद का खुद से कनेक्शन वाले सारे फॉर ऑल सारे के सारे आर में दिखने चाहिए अगर सारे के सारे इस तरह के आर में दिख रहे हैं ए के अवयवों वाले सारे कॉम्बिनेशन इस तरह के आर में दिख रहे हैं तो वो स्वैतुल्य है अदरवाइज नहीं है तो स्वैतुल्य की डेफिनेशन क्या हो गई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर जहां पर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है स्मॉल ए कैपिटल ए समुच्चय में से है और उसका जो पेयर है उसका जो क्रमित युग्म है वो आर में बिलोंग करने चाहिए ये है हमारी स्वतुल्य की डेफिनेशन इसके बाद में सम्मित की डेफिनेशन क्या है सम्मित की डेफिनेशन ये है कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो फिर इसको बोलते हैं दैट इंप्लाइज तो फिर यदि ऐसा है तो फिर इसको बोलते हैं दैट इंप्लाइज दैट इंप्लाइज अगर ऐसा है तो फिर बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर बी होना चाहिए बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर बी होना चाहिए अगर आपके पास ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो फिर बी कोमा अगर ऐसा हो रहा है कि ए बी का कॉम्बिनेशन आर में है और बी ए का कॉम्बिनेशन भी आर में ही है तो फिर वो सम्मित है अदरवाइज नहीं है जहां पर A और बी कहां से लिए हुए ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए से लिए हुए हैं ये समुचे के हिसाब से चल रहा है सब कुछ तो यहां पर ध्यान रखना है ये दो मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है बड़ी काम की चीजें ठीक है इसका मैं कलर भी चेंज कर ही देता हूं आपके लिए ताकि आपको ध्यान रहे चलिए अब तीसरे वाले की बात करते हैं थर्ड है संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध किसको बोलते हैं बड़ा ही काम का है अब यहां देखना है थोड़ा सा ये थोड़ा ध्यान से देखना है अब ठीक है चलो रोशन अरे बेटा बहुत लेट हो गए यार आप कुछ ज्यादा ही लेट हो गए आज तो आप अच्छा लाइक वाइक तो पूछा दो यार तुम्हारे को टारगेट नहीं दिया आज लाइक का साढ़े पांच सौ किए हैं तुमने हजार नहीं किया आज हैं ट्वेल्थ वाले बच्चों में कम दम है क्या इलेवेंथ वालों से मतलब इलेवेंथ वाले भी तो हैं इसमें सारे नहीं पढ़ रहे हैं शायद ट्वेल्थ चलो देखते हैं इस बार संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है ध्यान से सुनना है इसको ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि यदि इस बार दो कंडीशन आएंगे बी का कनेक्शन खुद सी से है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए का कनेक्शन बी से है बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब बी का कनेक्शन सी से है अगर ऐसा है तो फिर That implies, या फिर लगा दो तो इसकी जगह तो भी लगा सकते हो सिर्फ लिख दो तो यदि ऐसा है तो वैसा होगा यदि ऐसा है तो वैसा होगा तो यदि ये दोनों कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं तो बी को उड़ा दो ए कोमा बी बी कोमा सी दोनों से बी को हटा दो A सी A सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए जहां पर आपके पास ए कोमा बी कौ सी सबके सब ए समुच्चय के अवयव हैं और इसको अब आप मार्क कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ये हिसाब किताब है मैं इसको अभी समझा रहा हूँ टेंशन ना लो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चौथा वाला तुल्यता संबंध अभी आएगा मार्केट में ये फर्जी है इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है तुल्यता संबंध उसको बोलते हैं जो संबंध स्वतुल्य भी है सम्मित भी है संक्रामक भी है तो उसको तुल्यता बोल देते हैं तो इसमें कुछ नया सीखने का नहीं है इसलिए चौथे वाले को इग्नोर ही करते हैं अपन इसको हटा दो भले ही हटा दो इसको अभी अभी के लिए रहने दो इसको बाद में देखेंगे इसको तीन है मेन संक्रामक संबंध देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर A का कनेक्शन बी से है और बी का कनेक्शन सी से है तो इसको हटाओ और A का कनेक्शन से पाया अगर आपने इन दोनों के होने के बाद में तो फिर इसका मतलब वो संक्रामक है अदरवाइज नहीं है संक्रामक का मतलब क्या होता है ये, आपने सुना होगा कि आ, ये रोग संक्रामक रोग है सुना है आप लोगों ने कि रोग संक्रामक रोग है जैसे कोरोना चल रहा है भाई कोरोना संक्रामक रोग है संक्रमित करता है और भी लोगों को फैला फैलता जाता है संक्रामक रोग है ठीक है संक्रामक का मतलब फैलाना ठीक है अगर ए का कनेक्शन बी से है बी का कनेक्शन सी से है अगर ए का दोस्त बी है ए का दोस्त बी है और बी का दोस्त सी है तो ए का दोस्ती सी से भी हो जाएगी फैल जाएगी दोस्ती इसकी भी A का कनेक्शन बी से है B का कनेक्शन से है, तो A का कनेक्शन सी से हो जाए तो वो संक्रामक है संक्रामक हैं तो इसको संक्रमित रिलेशन कहते हैं नाम से थोड़ा बहुत में आता है, लेकिन एग्जैक्ट तो आप डेफिनेशन समझोगे तो ही आएगा कि बी तो की जरूरत ही नहीं हो A का डायरेक्ट कनेक्शन अगर सी से मिल जाए तो इसका मतलब वो संक्रामक है अदरवाइज नहीं है यहां एक खास बात ध्यान देने की यह है कि जब तक आपको यह दोनों ना मिले कि ए का कनेक्शन बी से है और बी का कनेक्शन सी से है मतलब जिससे यह एंड हो रहा है उससे दूसरा स्टार्टिंग होने वाला ना मिले तब तक आपको संक्रामक चेक ही नहीं करना है यह ध्यान रखना तब तक आप यह मान के चलोगे वह संक्रामक है सिंपल बस इतना और कुछ नहीं अब मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा ये चीज ठीक है यहां तक के आगे अब मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा ध्यान से देखना जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ध्यान से देखेंगे अपन चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन पहला पार्ट इसका वन कोमा वन कैसे चेक करेंगे मतलब हम ऐसे चेक करेंगे कि जैसे अपने पास फॉर्मूला क्या था

इसका उल्टा दिख रहा है हाँ तो ये पास इसका उल्टा दिख रहा है हाँ ये है तो ये भी पास इसका उल्टा दिख रहा है हाँ ये दिख रहा है ये भी पास ऐसे कर रहे हैं ना अपन एक एक को चेक कर रहे हैं तो वैसे यहां भी एक एक को चेक करेंगे कैसे चेक करेंगे अब वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं ध्यान से देखना वन का कनेक्शन वन से दिख रहा है मैं ये पूरा पुराना हटा देता हूं पुराना कोई मतलब का नहीं है वैसे भी ये पुराने निशान कोई मतलब के नहीं है बाकी तो सब ठीक है हाँ वन का कनेक्शन वन से है वापस से वन से शुरू होने वाला कोई दिख रहा है क्या हाँ ये रहा तो इन दोनों को हटाओ वन कोमा टू मिल रहा है कहीं पर वन कोमा टू मिल रहा है नहीं मिल रहा वन कोमा टू नहीं मिल रहा हमने क्या देखा ए कोमा बी देखा फिर बी से मतलब वन से ही शुरू होने वाला है ये रहा इन दोनों से वन हटाया बीच का ये बीच का हटाते हैं ना अपन और क्या लेके आना चाहिए ए कोमा सी आना चाहिए तो बीच का हटाया वन कोमा टू मिला नहीं मिला तो सीधा लिख दो कि ये संक्रामक नहीं है मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको मिक्सअप ना हो आप लिख दो इसको कि ये संक्रामक नहीं है बात खत्म हो गई सेकंड वाले पे आते हैं ध्यान से देखना है कोई जल्दबाजी नहीं है आराम से देखो सारे क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा इस बारे क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है संक्रामक वाला तो आपको समझने में टाइम लगेगा एकदम से टेंशन मत लेना सुनते रहो बस लास्ट तक समझ में आ जाएगा नहीं आएगा तो मैं और एग्जाम्पल लेके बैठा हुआ हूँ यहां पर क्लास में दस एग्जाम्पल लेके आया हूँ आज वैसे भी टेंशन मत लो वन का कनेक्शन वन से है ये किससे खत्म हो रहा है ए वन से वन से शुरू होने वाला कोई दूसरा है क्या ये रहा इसको हटाना जरा क्या बचा वन कोमा टू है क्या नहीं है नहीं है है ये रहा वन कोमा टू है अरे एक गड़बड़ कर दी मैंने सॉरी 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 यहाँ जल्दबाजी कर दी मैंने यार संक्रामक नहीं है कर दिया सॉरी 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 अरे भाई वन कोमा टू तो है ही ना वन कोमा वन वन कोमा टू ये वन से वन को हटाया तो वन कोमा टू बचा वो तो है ही ना यार पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था वन कोमा टू तो यहाँ दिख ही रहा है वो तो कनेक्शन है ही तो इसको तो पास कर देंगे अब एक शॉर्टकट बताता हूँ वैसे मैं आप लोगों को एक कमाल का शॉर्टकट है वैसे इसके लिए एक शॉर्टकट है स्वैतुल्य के लिए नहीं है बस आ, सम्मित के लिए भी शॉर्टकट है और संक्रामक के लिए भी है सम्मित के लिए क्या शॉर्टकट है पहले सम्मित का सुन लो वैसा ही संक्रामक का है जो आप स्वैतुल्य के लिए निकाल लो ना उसको तो हटा ही दो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और के लिए फिर क्यों वन वन टू टू थ्री थ्री की क्यों नहीं है जरूरत जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप वन वन का उल्टा करोगे मतलब सम्मित के लिए बता रहा हूं मैं अभी संक्रमा का भी नहीं बता रहा हूं सुनना ध्यान से सम्मित के लिए वन वन का उल्टा one one वो दिख रहा है तो क्या चेक करना हटाओ उसको का उल्टा तो होता ही है इसका उल्टा तो ये खुद ही है तो क्या चेक करना है ना तो सम्मित के लिए इनको चेक करने की थोड़ी जरूरत है इसका उल्टा तो ये खुद मिलेंगे ही मिलेंगे चेक करने की जरूरत तो वन टू है इसका उल्टा है क्या नहीं है वन थ्री है इसका उल्टा है क्या नहीं है ये चेक करने की जरूरत है इनको खुद को चेक करके क्या करोगे ऐसे ही वन वन को तो चेक करके क्या करोगे वन टू टू वन को चेक करो इनके उल्टे हैं क्या अगर सम्मित चाहिए तो ऐसे यहां पर संक्रामक के लिए भी सेम है जो सेम वाले हैं ना जो स्वैतुल्य जिनके लिए चेक करते हैं अपन उन सबको मिटा दो हटा दो चेक करने के लिए उनको जरूरत नहीं है उनको एक बार साइड कर दो उससे जल्दी हो जाएगा आपका काम ईजी हो जाएगा आपको इसलिए कह रहा हूं ये केवल और कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आंसर में फर्क नहीं पड़ता है ये केवल शॉर्टकट है ऐसा करना नहीं होता है लेकिन ये शॉर्टकट है इससे भी सेम बनता है एकदम कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन छोटा हो जाता है आपका अब क्वेश्चन में आपके पास पांच की जगह दो ही है अब चेक कर लो आप कैसे चेक करोगे अब ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन आ गया पहला वाला ही, <laughs> आ, पहला वाला ही भारी क्वेश्चन आ गया तो देखो कैसे चेक करेंगे अपन इसको आ, वन का कनेक्शन टू से है टू से शुरू होने वाला कोई दिख रहा है क्या टू से शुरू होने वाला यहां तो नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा तो इसको पास कर दो दू। अगर दूसरा कनेक्शन ही नहीं है जिसको चेक करना है मतलब ए बी दिख रहा है बी सी दिख ही नहीं रहा आपको तो फिर टेंशन लेने सीधा पास कर देना है उसको ये ध्यान रखना है बस ठीक है वन थ्री दिख रहा है थ्री से स्टार्ट होने वाला दूसरा दिख रहा है क्या वैसे तो ये दिख रहा है थ्री से स्टार्ट होने वाला लेकिन अपन इसको पहले ही क्रॉस कर दिए हैं मैं आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूं डायरेक्ट चेक करने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं One का थ्री से कनेक्शन है थ्री का किसी और से दिख रहा है या कनेक्शन नहीं दिख रहा इसको पास कर दो ये संक्रामक है अब आपको टेंशन नहीं लेना मैं और उदाहरण बता रहा हूं उससे समझ में आएंगे आपको ठीक है अभी एकदम से टेंशन मत लेना वन वन को चेक करने की वैसे जरूरत नहीं होती आप तो इधर से शुरू करो हमेशा वन कोमा टू है टू से शुरू होने वाला कोई दूसरा है क्या हाँ है ये रहा। तो बीच वाले को उड़ाओ क्या बचा वन वन है क्या वन वन बिल्कुल है ये रहा वन वन तो इसका मतलब इसका मतलब ये तो पास हो गया क्योंकि इसका कनेक्शन इससे देख करके हमने इसको हटा करके चेक किया जो बचा वो मिल रहा है अपने को ये तो पास हो गया अब हम इसको चेक करते हैं टू कोमा वन यहां पर है वन से शुरू होने वाला कोई है क्या ये रहा वन से शुरू होने वाला टू कोमा वन यहां पर है वन से शुरू होने वाला ये है इसको उधर लिख लो उससे क्या फर्क पड़ रहा है इसको उधर लिख लो उससे क्या फर्क पड़ रहा है वन वन उड़ाओगे क्या बचेगा वन वन उड़ाने के बाद टू कोमा टू आना चाहिए आ रहा है क्या टू क्या टू कहीं पर पर दिख दिख रहा है पर? नहीं दिख रहा है यहां नहीं तो इसके कारण गड़बड़ हुई है इसका कनेक्शन नहीं मिल रहा है इसके कारण सॉरी संक्रामक नहीं है तो आप यहां पर लिखोगे संक्रामक नहीं है ये संक्रामक नहीं है अब पहले और दूसरे में क्या आपने सीखा आपने सीखा अगर वन का टू से कनेक्शन है और टू का कनेक्शन आपको मिल ही नहीं रहा आगे बढ़ ही नहीं रहे अपन अगर आपको केवल यह मिल रहा है यह मिल ही नहीं रहा, तो जब तक यह ना मिले आप उसको वैसे ही टिक कर दो आगे चेक ही मत करो अगले वाले को चेक करो सीधा उस वाले को सीधा कर दो, पास कर दो उसको फेल मत करो क्रॉस मत लगाओ तो मैंने यहां पर यही किया है वन का कनेक्शन टू से दिख रहा था टू का कनेक्शन वन से दिख नहीं इन दोनों में इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है शॉर्टकट बताया आपको कि इसको मत लो

आगे किसी और का कुछ और कनेक्शन दिख ही नहीं रहा बी का किसी से ए बी का दोस्त है बी आगे किसी और का दोस्त ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेगी दोस्ती किसी और से समझ रहे हो बात को ए बी का दोस्त है बी जब किसी और सी से दोस्ती कर रखा है तब जाकर के ए और सी दोस्त हो जाएंगे ना वरना ए के पास तो कोई और बचा ही नहीं बी से तो दोस्ती कर ही ली बी के खुद के कोई दोस्त नहीं है तो ए के भी नहीं बढ़ेंगे आगे फिर म्यूचुअली तो फ्रेंड मिलेंगे नहीं कोई तो ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास सिर्फ इतना ही है जब आपके पास वन का कनेक्शन टू से टू का कनेक्शन ही नहीं है कहीं और से तो चेक करने की जरूरत नहीं ये संक्रामक मान करके इसको आगे बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर चेक करने की जरूरत थी का कनेक्शन है टू को, को हटा दिया वन को मैं वन बचा वो तो मिल गया था लेकिन फिर हमने देखा टू का कनेक्शन वन से है और वन से शुरू होने वाला इधर दिख रहा है उल्टा दिख रहा है तो हमने साइड में लिख लिया वन का कनेक्शन टू से है इसको हटाया तो उसके हिसाब से टू का कनेक्शन टू से मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल रहा इसलिए यह संक्रामक नहीं है इस व्यक्ति के चक्कर में गड़बड़ हुई है अगला देखते हैं अगला एक बार देखते हैं फटाफट से देखते हैं वन का कनेक्शन टू से है टू से शुरू होने वाला कोई है क्या हाँ ये टू टू को हटाओ वन को वन मिलना चाहिए मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा तो भैया ये संक्रामक नहीं है संक्रामक नहीं है ये वाला भी संक्रामक को ऐसे चेक करना है आपको कुछ अलग है तरीका संक्रामक चेक करने का अलग है तरीका संक्रामक तब जब इसका इससे कनेक्शन है साथ में इसका भी इससे कनेक्शन है तब आगे चेक करना है जब केवल इसका इससे कनेक्शन है और इसका किसी और से नहीं है तो चेक ही मत करो उसको आगे बढ़ो यह ध्यान देने वाली बात है बस इतनी जहां कंफ्यूजन रहते हैं सबको यही कंफ्यूजन रहता है तो डेफिनेशन इसकी इस तरह की है कि इसको चेक नहीं करना जिसका किसी और से कनेक्शन ही नहीं दिख रहा आगे जिसका इससे दिख रहा है इसका इससे दिख रहा है फिर चेक करो कि इसका डायरेक्ट उससे है क्या बस इतनी बात है अरे बोर्ड बुक चेंज होगा उससे फर्क नहीं पड़ता कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे जो संक्रामक की परिभाषा है जो सम्मित की परिभाषा है जो स्वतुल्य की परिभाषा है आपका सिलेबस भी चेंज हो जाएगा मतलब बुक भी चेंज हो जाएगी क्वेश्चंस बदल जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट तो ये रहने वाला है ना क्या फर्क पड़ रहा है उससे आप तो कॉन्सेप्ट सीखो ना और कुछ नहीं बदलने वाला चिंता मत करो तुम लोग फालतू तो बताए चलो शुरू कर रहे हैं इनमें चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं फटाफट से देख लो फिर अपन आज की क्लास को यही खत्म करेंगे आगे हालांकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और सेट किए थे ये भी कर सकते थे ये भी कर सकते थे ये भी कर सकते थे लेकिन अपन इसको कल करेंगे है ना आज केवल संक्रामक सीख लेते हैं और आज की क्लास को संक्रामक को स्पेशली रिवाइज कर लेना क्योंकि कल मैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछने वाला हूँ आते ही क्लास में सबसे पहले तो तो देखो फटाफट से वन का कनेक्शन वन से इसको तो छोड़ ही दो इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो हमें इसको चेक करना है केवल है ना शॉर्टकट बता रखा है आपको

तो इसको डायरेक्ट पास कर दो अगर A का कनेक्शन बी से है और साथ में बी का सी से भी दिख रहा है तो फिर चेक करो A का C से है क्या? ये बात है तो ये संक्रामक है संक्रामक है ये। ठीक है ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं, लेवल के क्वेश्चंस हैं। मैंने एक साथ सीधे भारी क्वेश्चंस ले जो शर्मा में मिलेंगे आपको बाकी किसी बुक में इतने क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं आपको ज्यादा जनरली ज्यादा बुक्स में नहीं देते हैं इस तरह के क्वेश्चन आर डी शर्मा में बहुत वेराइटी के मिल जाएंगे और इस तरह के मिल जाएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि संक्रामक कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है ठीक है इसकी बात करते हैं वन का वन से कनेक्शन हटा दो टू का टू से हटा दो थ्री का थ्री से हटा दो बाकियों में चेक करो आप तो निश्चिंत होकर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वन का कनेक्शन टू से है टू का किसी और से है क्या हाँ टू का वन से है तो इसको हटाया वन का वन से मिल रहा है क्या बिल्कुल मिल रहा है तो तो इसका मतलब इसका मतलब तो काम हो गया लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ काम समझना का है, तो का तो है ना किसी और से? तो भी, चेक करना पड़ेगा। का से भी है भाई one, two, two, one का काम हो गया इनका आपस में कॉम्बो चेक किया ये मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं लेकिन इसका इससे भी तो कनेक्शन दिख रहा है वन का टू से टू का थ्री से भी तो है इसको हटाओ वन थ्री दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा कहां दिख रहा है वन कोमा थ्री वन थ्री नहीं नजर आ रहा ना वन थ्री नहीं नजर आ रहा तो ये संक्रामक नहीं है आप ये लिखोगे कि ये संक्रामक नहीं है बहुत ही खास क्वेश्चन था ये इसका इससे भी कनेक्शन है इसका इससे भी है क्योंकि टू से एंड हो रहा है तो टू से शुरू होने वाले ये भी है और ये भी है भाई एक का दोस्त बी है तो बी के दो दोस्त भी तो हो सकते हैं <laughs> ये वही बात है वन का कनेक्शन टू से है टू का कनेक्शन वन से भी है टू का कनेक्शन थ्री से भी है टू के दो दोस्त हैं तो दोनों से चेक करना पड़ेगा संक्रमित हुआ है कि नहीं आगे तो भैया इससे तो बैठ गया था संक्रामक लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन संक्रामक नहीं बैठा तो संक्रामक नहीं है आगे देखते हैं टू टू को तो हटा दो तो, थ्री थ्री को हटा दो तो, शॉर्टकट है अपने पास भैया ठीक है वन का कनेक्शन टू से है टू का कनेक्शन वन से है मतलब टू से शुरू होने वाला यहां दिख रहा है इसको हटाया वन को मैं वन आया है क्या नहीं है नहीं है तो भैया संक्रामक नहीं है संक्रामक नहीं है सीधी सी बात है ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है थेके? टू का टू से हटाओ थ्री का थ्री से हटाओ वन का टू से है अब टू का किसी और से है क्या इसका आगे का कॉम्बो ही नहीं मिल रहा इसका आगे का ही नहीं मिल रहा आगे ही नहीं बढ़ रहा तो यहीं पर टिक लगा करके बोल दो तो संक्रामक है इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है दिमाग में ध्यान रखना जब आपके पास दो लोग दिखे तो आप चेक करोगे बीच वाले को उड़ा के कि तीसरा है कि नहीं है जब आपको दो लोग ही नहीं दिख रहे सिर्फ एक ही व्यक्ति दिख रहा है तो सीधा संक्रामक बोल देना उसको यह कहना चाह रहा हूं मैं ठीक है चलो सो so, मेरे ख्याल से समझ में तो आया होगा थोड़ा आप लोगों को एक बार घर पर रिवाइज करना सात क्वेश्चनस करवाए हैं इन सात क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा आराम से हंड्रेड आ जाएगा एक बार घर पर वापस देख लेना इसको 100% गारंटी के साथ आ जाएगा आप लोगों को बाकी फिर आगे हम लोग कल मैं आते ही आप लोगों से ही पूछूंगा ये सारे क्वेश्चंस क्विज़ के फॉर्मेट में पूछ लूंगा या तो मैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से ही पूछूंगा मैं तो वो आप लोगों को बताने होंगे ठीक है आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे अपन काफी लंबी क्लास निकल गई है मेरे ख्याल से आज की तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं चलो लाइक वाइक कर देना आप लोग जितने मैक्सिमम बढ़ा सको बाद में क्लास <laughs> के चलो थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल भी टाइम वही है साढ़े छः बजे आप लोग तैयार रहना बारहवीं की क्लास होगी रेगुलर होगी कोई भी बच्चा मिस ना करे टेंशन बिल्कुल मत लेना अगर आज की क्लास में भी थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे समझ में आया है तो एक बार वापस देख लेना हंड्रेड कल से और समझ में आ जाएगा निश्चिंत होकर के पढ़ाई करो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको मेरी गारंटी है शांति से पढ़ना नोट्स बनाना रेगुलर पढ़ना कहीं दिक्कत नहीं आएगी ठीक है चलो बाय सी यू थैंक यू ऑल द बेस्ट